कि जिस दिन सरदार की हटेगी सबकी फटेगी। आज इस सरदार की हट गई। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ के पहले दिन के ओपनिंग कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे यह फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग करेगी और क्या यह फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताए, इस फिल्म में आपको सलमान खान के साथ आयुष शर्मा लीड रोल में दिखाई देंगे। वहीं फिल्म का बजट है 60 करोड़ रुपए, और 60 करोड़ रुपए के बजट में बनाए जाने के बावजूद महेश मांजरेकर ने इस फिल्म को काफी जबरदस्त बनाया। जी आपको बता दें, फिल्म के ट्रेलर से ही मालूम चल रहा है कि यह फिल्म काफी धमाकेदार होगी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा धमाका करेगी। लेकिन अगर फिल्म के पहले दिन के ओपनिंग कलेक्शन की बात करें, तो अगर इस फिल्म को अपने पहले दिन बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनना है, तो इस फिल्म को ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वार के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि वार फिल्म ने अपने पहले दिन 52 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की थी। वहीं अगर सलमान खान के फैंस की माने, तो यह फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग कर सकती है। लेकिन यह तो बाद में ही पता चलेगा जब यह फिल्म रिलीज होगी। तो दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैन हैं और आपको भी लगता है यह फिल्म अपने पहले दिन 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग कर पाएगी या नहीं, और इस फिल्म का पहले दिन का ओपनिंग कलेक्शन का प्रेडिक्शन कितना रहेगा, 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ या 55 करोड़, और आप इस फिल्म को हिट कहोगे, सुपर हिट कहोगे, ब्लॉकबस्टर कहोगे या कहोगे फ्लॉप, आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और जाते जाते आपके और हमारे चैनल कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले ही।